नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाइवर्सिटी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 की तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। नियुक्ति पत्र वितरण में नियमों की अनदेखी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 31,000 या फिर 37,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर कोर्ट ने एक आदेश दिया है। स्कूल आवंटन किस प्रकार होगा, सचिव की तरफ से जानकारी दी गई है। वीडियो भर्ती की वेटिंग लिस्ट को लेकर ही बात करने वाले हैं, तो बने रहिए, सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी के आप सब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए SBI क्लर्क मेन्स फुल लेंथ फ्री मॉक टेस्ट, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। इस टेस्ट को आप लाइव अटेम्प्ट कर सकते हैं 29 अक्टूबर से। लाइव टेस्ट के बाद आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी, जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वो भी बिल्कुल फ्री। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए एक्शन वीकेंड बैंक स्पेशल क्लास फिएस्टा, एक ऐसा दिन जब एजुकेटर्स लेंगे मैराथन्स, क्विजेस, कार्निवल्स फॉर अ लाइवली वीकेंड येट इन्फॉर्मेटिव वीकेंड, वो भी बिल्कुल फ्री। जल्दी से लिंक पर क्लिक करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट वन सैटरडे को और पार्ट टू संडे को आप एक्सेस कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक नरेश सर के साथ में। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक पर क्लिक करें और आज ही ज्वाइन करें एक्शन वीकेंड बैंक स्पेशल क्लास फिएस्टा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 31,000 शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, अब उनको स्कूल आवंटन किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार जो सवाल है वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसा कि हम रात के वीडियो के अंदर यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर, मैंने आपको कहा भी था कि आपका जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन तरीके से ही होगा, लेकिन जो आपका प्रोसेस ऑनलाइन लिखा हुआ था BSA के माध्यम से करवाया जाएगा। स्पष्ट तौर पर समझाना चाहूँगा कि पहले जो आपके जैसे आवेदन लिए जाते हैं ना, ऐसे विद्यालयों के लिए आवेदन लिए जाने थे, जो नया प्रोसेस बनाया गया था। वेबसाइट पे आप लोग जाते, वहाँ से आप लोग चूज़ कर पाते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। रीज़न जो भी हो, जैसा कि मैंने बताया था कि उस प्रोसेस में समय लगने वाला था और सरकार हमारी वही काम करती है जो जल्दी हो सकता है, तो उसी वजह से यहाँ पर आपको ऐसा देखने के लिए मिला है। कट ऑफ मुद्दे और तमाम मुद्दों पर जल्दीबाजी भी की गई थी, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 26 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, उसी को लेकर आपके सामने जानकारी देखने के लिए मिल रही है। बाकी अलग अलग जिलों से नोटिस जारी हो गए, जहां पे आप लोगों के स्कूल आवंटन होने हैं, वहां पे जाकर भी एक बार जानकारी अवश्य ले लेना। वहीं दूसरी तरफ बात करें इसके बारे में, क्योंकि इसको लेकर आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, तो नवनियुक्त शिक्षकों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन होगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाए, लेकिन विद्यालय के जो लॉक किए जाएंगे वो यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से होंगे। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाए कि बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक स्कूलों में नवनियुक्त 31,000 शिक्षकों के ऑनलाइन आवंटन कराया जाएगा, जहाँ पर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने का जो आदेश है परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने जारी किया है। लॉगिन ID पासवर्ड यूजर जल्द ही उनको भेज दिए जाएंगे सभी जिलों के BSA को, जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं। विद्यालयों के चिन्हांकन मतलब ऑप्शन यहाँ पे चूज किए जाएंगे, इसमें सबसे पहले जैसा कि आपको पता दिव्यांग महिला, उसके बाद में पुरुष को स्कूल आवंटित होगा, इसके बाद अन्य शिक्षकों को स्कूल ऑनलाइन विकल्प देने का जो अवसर है वो मिलेगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष 31,000 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। शासन ने उन्हें विद्यालय में तैनात करने के लिए समय सारणी जारी कर चुका है। परिषद सचिव ने सभी BSA को आदेश दिया है कि वे नए शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजें जहां पर RTE नियमावली 2011 के तहत अध्यापक तैनात हों। इसमें सबसे पहले शिक्षकों को चिन्हित करना है और दिव्यांग महिला पुरुष की सूची के बाद में भर्ती के प्राप्त गुणांक के आधार पर महिला शिक्षिकाओं, साथ में अंत में पुरुष की सूची तैयार होगी। यदि गुणवत्ता अंक के समान होते हैं तो अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। और भी तमाम चीज़ें थी, मैंने जैसा कि आप सभी को एक नोटिफिकेशन शेयर कर दिया था टेलीग्राम पे, उसको आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था, कई जिलों से ऐसे भी नोटिस जारी हुए थे कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी या फिर दिव्यांग अभ्यर्थियों के यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन लिए जाएंगे, बाकी किसी और को नहीं जाना है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही थी। तो ये तो बात होगी विद्यालय आवंटन को लेकर, जो कि सचिव की तरफ से बताया गया है। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि विद्यालय आवंटन से पहले जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं उसको लेकर लगातार मामला गर्म है। सबसे बड़ा तो मामला हाई मेरिटोरियस अभ्यर्थियों का है, जो कि इस भर्ती से बाहर हो गए हैं।
इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया भी है कि तमाम आपको सुनवाइयाँ देखने के लिए मिलेंगी जो कि हाई कोर्ट और साथ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली हैं, जिसके अंदर लगातार जो ज़्यादा गुणांग वाले अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है कि वह मांग की जा रही है एक तरीके से कि जो आगामी समय के अंदर नई सूची बनेगी उसके अंदर अभ्यर्थी को लिया जाए, क्योंकि सरकार ने कोर्ट में ये कहा है कि हम इसके अंदर बदलाव करेंगे अगर ऐसा कुछ पाया जाता है। लेकिन सरकार दो तरीके के रवैये हमेशा देखने के लिए मिलते हैं, एक तरफ विद्यालय आवंटन किया जा रहा है, एक तरफ कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में आप सभी को बताइए। बाकी कल मैंने आप सभी को आगे समझाया था कि कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है, चाहे वो 31,000 हो या फिर 37,000 हो। तो ऐसे में नियुक्ति पत्र वितरण में नियमों की अनदेखी हुई है, इसमें बिल्कुल कोई दोराय नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और इससे आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से जो भी आपको जानकारी दी जाती है कितनी सटीक होती है। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को बताया गया था कि यहाँ पर गलत अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं, लेकिन अभ्यर्थी इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, सुन करके छोड़ देते हैं और भी अभ्यर्थी तक जानकारी नहीं पहुँच पाती है। और ये फ़ायदा आप लोगों को होगा, अगर एक भी गलत नियुक्ति मिलती है तो गलत अभ्यर्थी की वजह से एक मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिल पाएगी और आपके एक शेयर की वजह से वो जानकारी और आगे नहीं जाएगी। आज आपको समाचार पत्रों के अंदर सूचनाएँ देखने के लिए मिल रही हैं, कल भी मैंने दिखाया, आज भी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ही आप सभी को बताया था, एक्सपोज किया था कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो BTC बैग वाले हैं और नियुक्ति पत्र देते समय कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलती है, इनके खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाए कि नियुक्ति पत्र वितरण में नियमों की अनदेखी है, परिषदीय स्कूलों में नियुक्ति पाने वाले 31,000 के चयन पर सवाल उठ रहे हैं, प्रतियोगी आरोप है कि जिला में अगर बात करें चयन समिति के नियमों अनदेखी की गई है, नियुक्ति पत्र वितरित करते समय ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी गई है जिनके प्राप्तांक संशोधन से मेरिट प्रभावित हुई है, वहीं जो अभ्यर्थी BTC और DLED BLED आदि में अगर बात करें प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं उन्हें भी नियुक्ति दे दी गई है। और मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था कि BTC फोर्थ सेमेस्टर के अंदर उनकी बैक लगी थी, उसके बाद से वो पास हो गए, 2 साल भर्ती लटकी रही और उसमें कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर नियुक्ति दे दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू से विवादों में घिरे हुए हैं, 31,000 पदों पर चयन नियुक्तियों होने के बाद विवाद बढ़ गया है, कम गुणांक वाले अभ्यर्थी जिला आवंटन, अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं, ये मामला अभी भी शांत नहीं हुआ। इसके साथ ही नियुक्ति में नियमों की कहीं ना कहीं अनदेखी का मामला सामने देखने के लिए मिल रहा है, 67,867 की सूची अभ्यर्थियों में। इन प्रकरण को लेकर शुक्रवार को परिषद मुख्यालय नागेंद्र तिवारी और भी तमाम अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे हुए थे, जिनके साथ मुलाकात सचिव के साथ में देखने के लिए मिली। प्रतियोगियों का कहना है कि कई ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र दिया गया है जो प्रशिक्षण परीक्षा ही उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, कुछ ने परीक्षा फॉर्म में पूर्णांक प्राप्तांक ग्रंथ भरा था, उन्हें भी मेरिट सूची में जगह मिल गई है, कई अनिवार्य योग्यताएं 22 दिसंबर 2018 के बाद की हैं, फिर भी उनको नियुक्ति पाने में सफल रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि जिला स्तर पर काउंसलिंग मेरिट प्रभावित करने वाले संशोधन अमान्य नहीं किया गया है, उन्हें संयुक्त सचिव को करीब 1 दर्जन ऐसे अभ्यर्थियों की जो सूची है वो सौंपी गई है, बहुत ही अच्छा कार्य किया गया उन अभ्यर्थियों के लिए, एक बार कहने के उनको थैंक यू वर्ड्स लिखें जो अगली मेरिट का इंतजार कर रहे हैं और अपनी एक सीट चाहते हैं। क्योंकि मैंने कहा है कि लगातार अभ्यर्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे मैंने बताए सीटेड वाले भी अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट 2019 में आया था, अगर आप 22/12/2018 के बाद के हैं आपको बुरा लगेगा इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन ये सत्य है कि आप इस भर्ती के अंदर एलिजिबल नहीं है, कोई टर्म एंड कंडीशन भी फॉलो की जाती है। तो ऐसे में तमाम कहीं ना कहीं गलतियाँ देखने के लिए मिली हैं, कई अभ्यर्थी BSA से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से अभी तक इन बातों को नहीं सुना जा रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक दिन अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तो 100% उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको नौकरी चाहिए तो कहीं ना कहीं नौकरी आपकी कोर्ट के अधीन ही होती है, है ना। जैसा कि आपको पता है कि 31,000 को नियुक्ति मिल चुकी है लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन है। अब सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा आगामी समय के अंदर जल्द आने की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन जो 37,339 बेचारों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है उनकी नियुक्ति भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कटघरे के अंदर खड़ी हुई है। मामला क्या है, मामला हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 69,000 शिक्षक भर्ती दिव्यांग अभ्यर्थियों का है। इससे पहले भी 4% की एक याचिका मामला देखने के लिए मिला था जहाँ पर जस्टिस नाराज हो गए थे, सरकार को 10,000 जुर्माने की बात भी देखने के लिए मिल रही थी।
अब ऐसे में जो 4% आरक्षण का मामला एक और देखने के लिए मिला है, इस मामले को लेकर जज साहब की तरफ से स्पष्ट जानकारी दी गई है। सरकार का जो काउंटर है वो आ चुका है, अब ऐसे में आगामी समय के अंदर आपको बहस देखने के लिए मिलेगी। लेकिन स्पष्ट तौर पर यहाँ पे कोर्ट की तरफ से कहा जा चुका है कि जो 69,000 शिक्षकों की नियुक्तियाँ होंगी, जो भी इस याचिका के ऊपर परिणाम आएगा या फिर जो अग्रिम आदेश के अधीन मानी जाएंगी, इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा पेश किया जा चुका है। तो ऐसे में अगली जब सुनवाइयाँ होंगी या फिर जो भी फैसला होगा, आप सभी समझ सकते हैं। अगर सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ कि यहाँ पर सरकार ने अगर इनको 3% आरक्षण दिया गया और कहीं ना कहीं 4% इनको देना चाहिए, तो 1% के चलते 690 सीटों में बदलाव होगा, तो मामला ऊपर नीचे हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर सभी की जो नियुक्ति हैं वो इस याचिका के अधीन कर दी गई हैं, बाकी अग्रिम आदेश के अधीन भी है। जो भी जानकारी निकलेगी आप सभी को बता दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें, वीडियो भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी तलब की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार करने के संबंध में उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को लखनऊ से जानकारी मांगी है। 10 नवंबर तक आयोग जानकारी देने का निर्देश दिया गया है, जहां पर धर्म राज्य व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया गया है। याचिका का कहना है कि आयोग ने 2018 के ग्राम विकास अधिकारियों के लगभग 3,587 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, इसमें याचिकागण चयनित नहीं हो सके। पदों की नियुक्ति के बाद में कई पद नहीं भरे जा सके, तो मेरिट के अनुसार इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो इसी को लेकर जो जवाब है मांगा गया है और लगातार इससे पहले भी तमाम बार देखने के लिए मिला है। उम्मीद करते हैं कि 10 नवंबर तक जो जवाब है वो दे दिया जाएगा। जो भी जानकारी निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। ये थी दोस्तों अभी अभी की लेटेस्ट और फ्लैश ब्रेक के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।